हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयर ट्रिक। आज की इस वीडियो में यूएमटी ईएमएमसी के रेजिस्टेंस के ऊपर बात करने वाला हूं, क्योंकि अभी भी बहुत से यूज़र्स के कमेंट आते हैं कि हमें कौन सा रेजिस्टेंस लगाना है, कितने वाट का लगाना है, कितने वोल्ट का लगाना है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसमें इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में जितने भी जो 150 ओम्स के रेजिस्टेंस आते हैं वो ज़्यादातर दो तरह के आते हैं। देखिए, एक तो सबसे पहले इस तरह का होता है, इसके अंदर चार कलर होते हैं और ये भी 150 ओम्स का आता है, लेकिन जब मल्टीमीटर में हम इसे चेक करते हैं तो कभी 145, 147, 148 वन नहीं है, एक्चुअल 150 ओम्स के नहीं होते हैं। लेकिन जो हम यूएमटी ईएमएमसी टूल में यूज़ करते हैं वो इस तरह का रेजिस्टेंस होता है। ये देखिए, इसमें पांच कलर होते हैं, मैं अभी आपको स्क्रीन पर भी दिखाता हूँ। ये दोनों ही रेजिस्टेंस मैं आपको दिखाता हूँ और इनमें क्या डिफरेंस है मैं ये भी आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये मेरा ईएमएमसी टूल है। देखिए, इसके अंदर ये मैंने ब्लू कलर वाला रेजिस्टेंस लगा रखा है जिसके अंदर पांच कलर हैं, और मार्केट में इस तरह का भी रेजिस्टेंस आता है। देखिए, मैं आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ, ये देखिए इस तरह का भी रेजिस्टेंस है, ये चार कलर का। लेकिन जब भी हम इसको लगाते हैं तो इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है, बराबर कभी कनेक्ट होता है कभी नहीं होता है। और मैं जब भी ये वाला लगाता हूँ, ये देखिए जो ये वाला है, इसमें हमेशा मेरी कनेक्टिविटी आती है। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इस तरह से ये आते हैं रेजिस्टेंस। ये मार्केट में बहुत सस्ते मिलते हैं, अगर आप कुछ दो चार पाँच पीस लेंगे तो ये 1 रुपये का एक पीस पड़ता है, लेकिन जब आप इसको क्वांटिटी में लेते हैं तो लगभग ये कुछ 35 से 40 पैसे का पड़ता है, मतलब 35-40 रुपये में आपको ये 100 रेजिस्टेंस मिल जाते हैं इस तरह के। देखिए, तो अभी मैं जितने भी यूएमटी के ईएमएमसी जो सेल कर रहा हूँ उनको मॉडिफाइड करके कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। और इस वीडियो को बनाने का जो मेरा उद्देश्य था वो यही था कि जितने भी मेरे व्यूवर्स थे जो उस पर कमेंट कर रहे थे कि कितने वाट का लगाना है, तो आपको ये पांच कलर वाला 150 ओम्स का रेजिस्टेंस लगाना है। देखिए, ये वाले रेजिस्टेंस आपको नहीं लगाने, जो अभी मैंने स्क्रीन पर आपको इसकी फ़ोटो दिखाई थी, देखिए ये वाले रेजिस्टेंस आपको नहीं लगाने, आपको ये ब्लू वाले रेजिस्टेंस लगाने जो मैंने अभी आपको दिखाए थे। ये देखिए, बहुत सस्ते रेजिस्टेंस, और ये पांच कलर के 150 ओम्स का रेजिस्टेंस अगर आप लगाएंगे तो हैंडसेट आपके कनेक्ट होंगे और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसको आप जैसे ये मैंने फ्रंट पे लगाया हुआ है, ऐसे ही आप बैक साइड पर भी लगा सकते हैं, तो कहीं भी आप लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं या यहाँ भी लगा सकते हैं। और ये वाले रेजिस्टेंस को यूज़ करें, बिल्कुल आपका फ़ोन कनेक्ट होगा। और जितने भी यूज़र जो कमेंट कर रहे हैं, तो आप मार्केट से, इलेक्ट्रॉनिक शॉप से, आपके घर के आसपास या मार्केट में जहाँ भी है वहाँ पर इजीली अवेलेबल है ये, बहुत सस्ता रेजिस्टेंस है। आप अगर दो रेजिस्टेंस लेंगे तो 1 रुपये का एक पीस पड़ेगा, मतलब 2 रुपये में आपको मिल जाएंगे, क्वांटिटी में लेते हैं जैसे कि मैंने बताया आपको, क्योंकि मैंने ये लिए हुए हैं। देखिए, ये मैंने 35 रुपये के 100 रेजिस्टेंस लिए थे, तो मुझे ऐसे 35 पैसे का एक रेजिस्टेंस पड़ा है, और ये 100% वर्किंग है। मैंने अब तक जितने भी वीडियो बनाए हैं सभी इसी ईएमएमसी टूल से बनाए हैं, और इसके अंदर भी मैंने यही वाले रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं। और जितने भी रेजिस्टेंस मैं सेल कर रहा हूँ, मेरे जितने व्यूवर्स जिनको रिक्वायरमेंट लग रही है, तो उनको बताना चाहूँगा कि मैं पहले से ही ये रेजिस्टेंस लगा करके दे रहा हूँ ताकि आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम सामने ना आए। और एक अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि कोरोना वायरस के आने की वजह से चाइना से जो है लगभग अभी माल आना टोटली बंद हो गया है, तो मेरे पास भी लिमिटेड स्टॉक है, और जिन भी लोगों को अभी चाहिए तो कुछ ही टूल बचे हुए हैं, और अभी लेना चाहें तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि अभी कोई भरोसा नहीं कि इस कोरोना वायरस की वजह से अभी ये टूल अब मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, या अभी कुछ मतलब कम से कम 2 से 3 महीने तो अभी टूल नहीं आना है। और मेन जो वीडियो मैंने बनाने का मोटिव था कि जो रेजिस्टेंस का इशू था, तो एक बार फिर से बता रहा हूँ कि आप इस तरह के रेजिस्टेंस को यूज़ कीजिए, ये 100% वर्किंग है और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है ये कनेक्टिविटी में। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात और, ये ईएमएमसी टूल के अंदर वही फ़ोन अभी कनेक्ट होंगे जिसके यूएसबी केबल पे लगाने पर वीसीसी और वीसीसी के ऊपर 1.8 और 2.8 वोल्ट आ रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।